हेलो एवरीवन, आज हम सुबह जल्दी उठ गए क्योंकि आज हम अंडर 23 की जेवलिन थ्रो देखने जा रहे हैं। अपने ही ग्राउंड पे हो रही है जो कि हम आज सुबह सुबह काफ़ी अच्छा मौसम था, पर फिर बादल आ गए और बारिश आना स्टार्ट हो गया। वीरेंद्र यहाँ बैठा है करिश्मा करिश्मा दिख नहीं रही। अरे दिखना करिश्मा दिख गया। सर्वेश भाई ग्राउंड पर आ चुके हैं अपने कंपटीशन के लिए और जल्द ही हमारे कंपटीशन का पहला राउंड स्टार्ट हो गया। सुकेश अहीर, इनको अपनी टेक्निक और रनवे की स्पीड अच्छे से बढ़ानी चाहिए ताकि वो और अच्छा थ्रो कर पाएँ आगे चल के। आकाश जी का पहला थ्रो फाउल हो गया है, पर काफ़ी अच्छा थ्रो नहीं था, उनको ट्रेनिंग बहुत हार्ड करना पड़ेगा इसके लिए। बालाजी भाई, आपको अपने रनवे में रिदम लेके आनी पड़ेगी और ब्लॉक लेग पे बहुत ज़्यादा काम करना है आपको। जीत भाई, आपको भी अपने रनवे में बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए और ब्लॉक लेग आपका भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है। गायकवाड़ भाई, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप एक अच्छे कोच के पास जाएं और स्पाइक्स हमेशा पहने थ्रो के लिए। जाधव भाई, आप भी एक अच्छे से कोच के पास जाएं ताकि आप जेवलिन को अच्छे तरीके से सीख पाएँ। सुकेश भाई, आप अपने टेक्निक पे और रनवे पे ध्यान देंगे तो आपका थ्रो अच्छा निकल सकता है। सुशांत भाई, आप जेवलिन करते टाइम जेवलिन स्पाइक्स ही पहने और थोड़ा सा रनवे पे ध्यान दें तो आप भी थ्रो अच्छा कर पाएंगे। ओमकर भाई, आप भी जेवलिन स्पाइक्स ही पहने जब थ्रो करें ताकि आप इंजरी से बच सकें और एक अच्छे कोच के पास आप भी जाके वहाँ ट्रेनिंग करें। ओमकार भाई, आप भी जेवलिन स्पाइक्स यूज़ करें और एक अच्छे कोच के पास जाकर वहाँ पे ट्रेनिंग लें, बहुत सारे कोच हैं मेरे में। अमोल भाई, आपको आपकी टेक्निक पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा अगर आपको अच्छा थ्रो करना है तो। अनिल भाई, आप अपनी बॉडी में थोड़ा सा स्ट्रेंथ गेन करें और थोड़ी स्पीड लेके आए रन में, आप काफ़ी अच्छा थ्रो कर लेते, मैं देख रहा था आपको। साहिल भाई, आपको आपके राइट फुट पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नंदू भाई, आप अपने रनवे की स्पीड पे काम करें और प्लीज़ जेवलिन स्पाइक्स ही पहन के थ्रो करें ताकि आप इंजरी से बचे रहें। अमित भाई, आप भी एक अच्छे कोच के पास ट्रेनिंग ले जाके। सौरभ भाई, आप अच्छा थ्रो कर रहे थे पर आपको थोड़ा सा ब्लॉक लेग पे ध्यान देना पड़ेगा और अपने हाथ की स्पीड पे भी। सनापुरी भाई, आप भी एक अच्छे कोच के पास ट्रेनिंग लेंगे तो इम्प्रूव करेंगे अच्छे से। पार्थ भाई, आपको आपकी टेक्निक पे काम करने की बहुत ज़रूरत है भाई। शुभम भाई, आप भी किसी अच्छे कोच के पास जाएं या फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग लें। श्रीनाथ भाई, अगर आप अपने रनवे में और टेक्निक पे थोड़ा ध्यान देंगे तो आपका थ्रो भी अच्छा निकल सकता है। ये हमारे सर्वेश भाई जो कि हमारे साथ ही ट्रेनिंग करते हैं, आज देखते हैं कैसा थ्रो करेंगे। चल बढ़िया, चल 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 चल,
Now we have चल सर्विस चल इजी थ्रो चल 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 फास्ट हो ले संभाल के चल 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 पास 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 चले चल चले जोश में चले चल 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 चले तीन तरह के बाद ही बहुत तेज बारिश हो गया और कंपटीशन वहीं के बीच में रुक गया ये कोच नहीं किया है मैंने अब तो जेवलिन की ग्रिप बहुत ही ज़्यादा गीली हो गई थी जिस कारण एथलीट अच्छे से थ्रो नहीं कर पा रही थी उधर चल सर्विस चल 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 फास्ट चल मिलते हैं भाई सभी को अगली वीडियो के साथ कुछ नया टॉपिक की सर्विस नई वीडियो के साथ।